उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी दल अपने अपने तरीके से विरोधी दलों को कमजोर करने पर आमादा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे पीछे रह सकती है? बुधवार को सपा और बसपा के 10 विधान परिषद सदस्य भाजपा का दामन थामने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के खेमे में बड़ी सेंध लगाई है। सपा बसपा के 10 एमएलसी कल बीजेपी में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक सपा के रविशंकर सिंह, पप्पू, सीपी चंद, अक्षय प्रसाद सिंह और बसपा के ब्रिजेश कुमार सिंह सहित 10 एमएलसी बीजेपी का झंडा थामेंगे। बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश है कि उन दलों में सेंधमारी की जाए जिनके नेताओं का अपने क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है, यह उसका टेस्टेड फार्मूला भी रहा है। इसलिए 2022 के चुनाव में बीजेपी अपने टेस्टेड फार्मूलों को एक बार फिर आजमाने में जुटी है, लेकिन इस बार उसके टारगेट पर समाजवादी पार्टी और उसके नेता है, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना है। फिर अपना उम्मीदवार अपना हो या फिर किसी दूसरे दल से आया हुआ ही क्यों ना हो। जब 2014 के लोकसभा चुनाव देश में हो रहे थे, उससे पहले भी बीजेपी ने यही रणनीति अपनाई थी कि कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज बीजेपी में शामिल हुए थे, और जब बारी उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव की आई तो भी बीजेपी ने इसी फार्मूले को अपनाया। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि सपा के सदस्यों को भाजपा में शामिल कराने में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और भाजपा के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की बड़ी भूमिका है। यह वही दयाशंकर सिंह है जिनकी पत्नी स्वाति सिंह यूपी में मंत्री हैं। वह लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बनने पर मंत्री बनाई गई है। उन्होंने यह उपलब्धि अपने पहले चुनाव में ही हासिल कर ली थी। वह उन दिनों विरोधी दल के एक नेता के अपशब्द वाले बयान के बाद चर्चा में आई थी। इसी कारण से उन्हें भाजपा ने टिकट देकर साल 2017 में चुनावी मैदान में उतारा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।